नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे तरारी विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर ली है। चुनाव की घोषणा के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी होने लगी है। ऐसे में आज हम आपसे बात करेंगे तरारी विधानसभा क्षेत्र की। तरारी विधानसभा भोजपुर जिले के अंतर्गत आरा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका साल 1951 में पिरो नाम से हुआ था, लेकिन साल 2010 में इसका नाम तरारी रखा गया। तरारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच में सीधी लड़ाई है। इस विधानसभा में एक तरफ जहां भाजपा को सीट मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से माले के खाते में सीट गई है। भाजपा ने कौशल कुमार सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं माले ने सुदामा प्रसाद को टिकट दिया है। सुदामा प्रसाद वर्तमान में विधायक है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान के किस तरह की राजनीति चल रही है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार जान लें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास के बारे में। तो बात सबसे हम करेंगे साल 2015 की। साल 2015 चुनाव में लोजपा और माले आमने सामने से चुनावी मैदान में थे। लोजपा के टिकट से गीता पांडे मैदान में उतरी थी। गीता पांडे सुनील कुमार पांडे की पत्नी है। वहीं सीपीआई के टिकट से सुदामा प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। सुदामा पांडे को इस चुनाव में 44,050 वोट हासिल हुए थे और 272 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गीता पांडे की बात करें तो उन्हें 43,778 वोट हासिल हुए थे। तीसरे विधानसभा में जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। अब बात साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो साल 2010 में हुए चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे विधायक चुने गए थे, जदयू के टिकट से खड़े थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद से आदेव रिजवी रहे थे। इन्हें 34,093 वोट प्राप्त हुआ था। कुल 14,320 वोट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। नरेंद्र कुमार इस चुनाव में 48,413 वोट हासिल कर विधायक चुने गए थे। साल 2000 और 2005 के चुनाव में इस सीट से नरेंद्र कुमार उर्फ सुनील पांडे विधायक चुने गए थे। साल 2005 में वो जदयू के टिकट से चुनाव जीते थे। वहीं साल 2000 में वो समता पार्टी से विजेता रहे थे। अब हम साल 1995 के मुख्य परिणाम को अगर देखें तो इस चुनाव में जनता दल का कब्जा रहा था। जनता दल के कांति सिंह विधायक चुने गए थे। अगर अब हम बिहार विधानसभा चुनाव 1990 की तरफ मुड़े तो इस चुनावी साल में यहां से इंडियन पीपल्स फ्रंट पार्टी से चंदेल दीप सिंह विधायक चुने गए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों को देखें तो इस क्षेत्र में कई आवश्यक कार्यों को पूरा किया गया है। पेयजल घर घर तक पहुंचाई गई है, बिजली की रोशनी गांव को रोशन कर रही है, पुल और सड़कों का निर्माण लगातार करवाया जा रहा है, भवन और स्कूल बनवाए गए हैं। इसके अलावा नहरों की साफ सफाई भी करवाई गई है। चुनावी मुद्दों पर ध्यान दें तो स्थानीय लोगों की मांग रही है कि तकनीकी शिक्षण संस्थान बनवाए जाए, स्टेडियम खुलवाए जाए, उद्योग धंधों की स्थापना करवाई जाए ताकि मजदूरों का पलायन रुक सके, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में तरारी विधानसभा सीट पर महागठबंधन का और एनडीए के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार एनडीए से लोजपा के अलग हो जाने के बाद से यहां कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। आपको बता दें, लोजपा ने पहले ही यहां घोषणा कर दी थी कि वो भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारे। आपको बता दें, साल 2015 विधानसभा चुनाव में यहां से गीता पांडे मामूली वोट से सुदामा पांडे से हार गई थी। इसके साथ ही गीता पांडे सुनील पांडे की पत्नी है और सुनील पांडे लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में अब सुनील पांडे ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। सुनील पांडे पिछली बार विधायक रह चुके हैं। सुनील पांडे के चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा के लिए परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में बताया तो यह जा रहा है कि तरारी में अब लड़ाई त्रिशंक हो गई है। सुनील पांडे पहले जदयू के सदस्य थे, लेकिन एक मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जदयू को छोड़ लोजपा की सदस्यता ले ली थी। इसके बाद सुनील कुमार पांडे की जगह उनकी पत्नी गीता पांडे चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार सुनील पांडे खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि सुनील पांडे की बादशाहत कायम रहती है या फिर सुदामा प्रसाद की जीत होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।